नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बिहार में भूकंप के तेज झटके पटना, कटिहार, भागलपुर समेत कई जिलों में महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। सीमांचल के इलाके में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तकरीबन 22 सेकंड तक यह झटका महसूस किया गया है। किशनगंज के ठाकुरगंज में काफी देर तक झटका महसूस किया गया। पटना, भागलपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज में लोगों को भूकंप का एहसास हुआ। भूकंप का केंद्र सिक्किम भूटान बॉर्डर पर बताया गया है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। राजधानी पटना में भूकंप का आंशिक असर रहा है। जानकारी के अनुसार कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार के कई जिलों में सोमवार रात 8:53 पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। चंद सेकंड के दरमियान दो बार धरती डोली। इस इलाके में लोग घरों से बाहर निकल गए। पटना, भागलपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के कारण गंगा में लहरें उठने की खबर है। हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बच्चों को लेकर सावधान रहें। बिहार में 48 घंटे में 80 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ज्यादातर की उम्र 14 साल से कम। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच लोगों को अपने घर के बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में पिछले 48 घंटे में 80 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता की बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर की उम्र 14 साल से कम है। राज्य सरकार से मिले आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को 60 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं रविवार को 20 और छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए ज्यादातर छात्र राजधानी पटना के रहने वाले हैं। सरकार ने जांच में उनके पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया है। उनके इलाज पर भी नजर रखी जा रही है। पटना के कंकड़बाग, पत्रकार नगर, गर्दनी बाग, अनिसाबाद, बोरिंग रोड, अशोक राजपथ, राजा बाजार और राजीव नगर जैसे इलाके में बड़ी संख्या में छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि राज्य सरकार ने बिहार के तमाम शिक्षण संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दे दिया है, लेकिन निजी कोचिंग संचालक और प्राइवेट स्कूल संचालक इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल कोचिंग और स्कूल संचालकों को कमाई जाने का डर सता रहा है। आज सासाराम में कोचिंग संचालकों ने जमकर उत्पात मचाया है। मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क खुलेगा, 400 करोड़ का निवेश होगा, 5000 को मिलेगा रोजगार। केंद्र सरकार ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मेगा फूड पार्क खोलने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में आज केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका ऐलान किया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में ये मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि असम चुनाव के दौरान बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मांग की थी कि देश में खुल रहे दो मेगा फूड पार्क में एक बिहार को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 78 एकड़ जमीन पर बनेगा मेगा फूड पार्क को विकसित करने में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इनमें 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा, यानी कुल मिलाकर 400 करोड़ का निवेश होगा। मेगा फूड पार्क में 30 यूनिट लगेगी, इसमें 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है, ये प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। दरअसल बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने मोतीपुर चीनी मिल की जमीन को अधिग्रहित किया था, उसी में ये फूड पार्क खुलेगा। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इसे बिहार के लिए शुभ बताते हुए बिहार की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई दी है। बिहार में मुखिया को दिया गया नया टास्क, फोन पर सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट की देंगे जानकारी। बिहार में मुखिया को स्पेशल टास्क सौंपा गया है। गर्मी बढ़ने के कारण पीने की पानी की किल्लत न हो, इसके लिए विभिन्न पंचायतों के मुखिया विभाग के अधिकारियों को फोन पर फीडबैक देंगे। पीएचईडी विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जल स्तर में होने वाले गिरावट को लेकर समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पीएचईडी के अधिकारियों को कहा गया है कि वे ग्राम पंचायत के मुखिया से अगस्त महीने तक फीडबैक ले लें। विभाग के सीनियर अफसर की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक कंट्रोल रूम में हर प्रभारी पदाधिकारी पंचायतों के मुखिया से फोन पर हर घर नल का जल का योजना का फीडबैक लेंगे, ताकि यह पता चल सके कि हर घर नल का जल योजना सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। अधिकारियों को भू जल के स्तर का फीडबैक लेने को भी कहा गया है। जहां भी जल स्तर में गिरावट की सूचना मिलेगी,
तुरंत इसकी सूचना विभाग को देने को कहा गया है। रामनवमी जुलूस पर लगी रोक, डीएम ने जारी किया आदेश, दुकानों के लिए भी गाइडलाइन जारी। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना की रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद करने के बाद प्रशासन ने रामनवमी जुलूस पर भी रोक लगा दिया है। प्रशासन के इस निर्देश के बाद 21 अप्रैल को शाम में निकलने वाली रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। बिहार में तेजी से बढ़ती कोरोना की रफ्तार को देखते हुए भोजपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने यह आदेश जारी किया है कि इस साल भी कोविड संक्रमण को देखते हुए रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। डीएम ने रविवार को जिले के अधिकारियों के साथ कोरोना से उत्पन्न हालात की समीक्षा बैठक की और इसी मीटिंग में उन्होंने अफसरों को कई निर्देश दिए। बिहार में शिक्षकों के लिए खुले रहेंगे स्कूल और कॉलेज, बच्चों की परीक्षाएं भी होंगी। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिहार में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। नीतीश सरकार ने 11 अप्रैल तक बिहार के सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है, लेकिन शिक्षकों के लिए स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे। शिक्षक पहले की तरह ही कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए स्कूल आते रहेंगे। बिहार सरकार की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी कर यह आदेश दिया गया है। रविवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण के कारण बिहार के सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों और परीक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज खुले रहेंगे। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव ने डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए स्कूल, कॉलेज खुले रहेंगे। ये लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि पहले से निर्धारित परीक्षाएं ली जाएंगी। कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। सभी स्कूल और कॉलेजों को एग्जाम के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। बिहार पुलिस वालों को किसी भी हाल में लेना होगा कोरोना का टीका। इंजेक्शन नहीं लेने पर बंद हो जाएगा वेतन। देश भर में 1 अप्रैल से कोविड वैक्सीनेशन के फेज 3 की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने सभी जिलों के डीएम और डीईओ को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी शिक्षकों का भी टीकाकरण किया जाएगा। पुलिस वालों के लिए भी कोरोना का टीका लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। बिहार सरकार के आदेश के बाद पश्चिम चंपारण में सभी पुलिसकर्मियों के लिए कोरोना का टीका लेना अनिवार्य कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण के मेजर जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि एसपी किरण कुमार गोरख यादव के आदेश के आलोक में सभी पुलिस वालों को इसकी जानकारी दे दी गई है। अगर इस हफ्ते के अंत तक कोई पुलिस वाला टीका नहीं ले पाया तो उनकी वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर दी गई है। पटना के बड़े अस्पतालों के कोविड वार्ड फुल, मरीजों की बढ़ी परेशानी। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की वापसी ने मरीजों की तादाद अचानक से बढ़ा दी है। नतीजा यह है कि पटना के सभी बड़े अस्पतालों में कोविड वार्ड मरीजों से फुल हो गए हैं। हालांकि पीएमसीएच और एनएमसीएच में अभी भी कोरोना मरीजों की एंट्री हो रही है, लेकिन पटना एम्स, रूबन और पारस जैसे बड़े अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अब नहीं हो पा रहा है। यहां नए मरीजों की एंट्री वार्ड फुल होने के कारण नहीं की जा रही है। पटना के पीएमसीएच में कोरोना के नए मरीजों को एडमिट लिया जा रहा है। शनिवार को पीएमसीएच में एक साथ कोरोना के 5 मरीज भर्ती हुए हैं। पीएमसीएच प्रबंधन के मुताबिक होली के बाद अचानक से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। पटना एम्स में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को शनिवार के दिन लौटना पड़ा। एम्स में कोरोना के कुल 80 मरीज के इलाज की क्षमता है और यह पूरी तरह से भर गया है। जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनसे कई को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा दी जा रही है। कोरोना संकट को लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ सासाराम में बवाल, उग्र छात्रों ने मचाया उत्पात, पुलिस ने आंसू गैस और हवाई फायरिंग से कराया शांत। बिहार सरकार ने 11 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला सुनाया है, जिसमें प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को भी शामिल किया गया है। सूबे में कोरोना के दोबारा बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले में कई लोग ऐसे हैं जो नाराज भी दिखे जा रहे हैं, जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं। वहीं छात्रों को एक बड़ी
तबके में भी इस फैसले से असहमति दिखी। सासाराम में कोचिंग बंद कराने के मामले ने विकराल रूप धारण कर लिया। छात्रों ने सड़कों पर उतरकर आगजनी की व तोड़फोड़ किए। मामलों को शांत कराने के लिए पुलिस को आंसू गैस और गोले दागने पड़े, साथ ही हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। बिहार में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी की होगी जांच, 2 माह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश। कोसी नदी की जमाबंदी स्थानीय कुछ लोगों द्वारा अपने नाम से कराने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस मामले के साथ साथ सरकारी जमीन की जमाबंदी के सारे मामले की जांच कराने के निर्णय भी लिया गया है। 2 माह के भीतर सभी मामले की जांच कराते हुए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश बिहार के अंचलाधिकारी को दिया गया है, ताकि जमाबंदी रद्द की जा सके। सरकारी जमीन की जमाबंदी नियमतः नहीं कराई जा सकती है, बावजूद इसके अगर कोई इसे फर्जी तरीके से करा लेता है तो उस पर किसी तरह का समाज में विरोध नहीं होता है, चूंकि इससे किसी की रैयती जमीन का इससे कोई वास्ता नहीं होता है। इस वजह से ऐसे मामलों का खुलासा जांच के बाद ही संभव हो पाता है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।